नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटेड भारत में। साथियों, इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। किस मंत्रालय ने SCDPN पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एशियाई खेल 2022 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इस बार एशियन गेम्स हो रहे हैं चीन के हांगझाऊ शहर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हांगझाऊ, चीन। इस बार एशियन गेम्स में क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, और ये जो आप लोगो देख रहे हैं ये एशियन गेम्स का लोगो है, और ये जो पिक देख रहे हैं आप ये एशियन गेम्स का मैस्कॉट है, जिसे द स्मार्ट ट्रिपलेट्स कहा गया है। किस शहर में निपा वायरस से संक्रमित मरीज मिले हैं? तो ये पाए गए हैं केरल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल, यह केरल के कोझीकोड जिले में पाए गए हैं। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन, और यह जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ISSF विश्व कप 2023 आयोजित किया जा रहा है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का तीसरा वार्षिक समारोह कहाँ आयोजित किया गया? यह मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी इंदौर। यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसके मिनिस्टर हैं श्री परषोत्तम रूपाला। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार जारी आंकड़ों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रा स्फीति कितना प्रतिशत है? 6.83%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शहरों में ये 6.59% पाई गई है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ये 7.02% पाई गई है। और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। वाल्टर अल्फ्रेड का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? यह एक वरिष्ठ पत्रकार थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पत्रकारिता। ई कार्यालय ऐप किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? इस ऐप को लॉन्च किया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसका CISF का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और CISF प्रमुख कौन है? सीलवर्धन सिंह। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने किस योजना की घोषणा की? उन्होंने विश्वकर्मा योजना की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्वकर्मा योजना, जो कि विश्वकर्मा जयंती पर शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया? उन्होंने यह मध्य प्रदेश के बीना रिफाइनरी में किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीना। यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसके मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।